हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 9:30 बज गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं आगरा। आज आगरा का ट्रिप रहेगा। हाय, ये शेरे लेके जा रहा मेरे को है। खींच रही हो। चलो हाय बोलो। हाय, हम लोग आगरा बस से जा रहे हैं। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला था इसलिए बस से ही जा रहे हैं। लौटेंगे लेकिन ट्रेन से। पहुंच जाएंगे साढ़े 12 पहुंच जाएंगे। अब देखो कितना कितना, 9:30 होगा। 9:30 नहीं, 10 बज गया होगा। 10 बज गया है। हम लोग आगरा आ गए। हम दोनों घूमते रहते हैं। पहले आगरा फोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद ताजमहल चलेंगे, है ना श्रेय? यस, लेट्स गो। हम लोग आगरा फोर्ट में हैं, लाइन पे खड़े। जेंट्स और लेडीज की लाइन अलग अलग है। तुम नहीं आए हो यहाँ पहले? फर्स्ट टाइम आ रहे हो? इस फोर्ट को जो है आगरा फोर्ट बोलते हैं। रेड फोर्ट वो है दिल्ली में। ये इधर से, इधर जाइए। ये भी इधर जाइए। मुगल बादशाह शाहीन बादशाह 1632 और 1637 5 ईयर में वो 1.5 किलोमीटर एरिया बना है स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली वाला, और ये बना है 2.5 किलोमीटर एरिया में। इसके आर्किटेक्ट जो थे वो थे शाह कासिम ईरान। इसे बनवाने में अकबर के पीरियड में 35 लाख रुपया खर्च हुआ था। 4000 वर्कर पर डे काम करते थे। ये फोर्ट बनना शुरू हुआ था 1565 में और कम्प्लीट हुआ था 1650 में। इसे एक मुगल बादशाह ने नहीं बनवाया, इसे चार मुगल बादशाह ने जनरेट किया। अकबर, अकबर सन ने छांगी, जहांगीर सन ने शाहजहां और शाहजहां सन, इस तरीके चारों ने 95 ईयर गाइड लिया है। वो सब फोर्ट के बारे में बता रहे हैं। शाम के लिए गोलवार तब जो अकबर की बीवी थी ना जोधाबाई, जब उनके जान बादशाह पैदा हुए थे सलीम, ये तब को दिए थे राजा मान सिंह ने हीरे मोती भर करके। तो राजा मान सिंह जयपुर और जोधाबाई का भाई, जब जहांगीर छोड़ा सलीम, ये में गुलाब से नाता था, मतलब ये नाने का बाथ टब। इसका वजन 3 टन और जोड़ भी नहीं, 3 सीढ़ी राम और 3 टब के अंदर बच्चे उतरने चढ़ने के लिए आगरा फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये शाम की विंडो देख रहे हैं आपको, जो राजा जी ने अपना किंग यहाँ से यहाँ पे फूल बरसा दी थी। आम शाम में बोलेगा ये दिन हमारे लिए ड्रम चलो तुम भी बोलो कुछ। हाँ भैया बता दीजिए, जोधाबाई से इस महल का नेम जोधबाई जहांगीर पैलेस रंग महल, ये वाला है डांसिंग हॉल। अच्छा। आप लोगों में किंग बैठते राजा लोग, छोटे जगह में रानी बैठती थी, ऊपर से फूल फेंकती थी, दासियां डांस करती थी मुजरा। यस, ये वाला होता था रंग हॉल। पहले किसी महल में दो लोग आकर थे ना, रेशम के पैदा होते थे कटन। ये जहांगीर बादशाह का बेडरूम देखो मैडम, ये गेस्ट रूम के लिए देखो बेडरूम, और ये गेस्ट रूम। पहले किसी महल में डोलू आकर थे रेशम के कर्टन। ये जानवास, ये जोधाबाई का मंदिर पूजा करने का जो अकबर की हिंदू रानी थी ना, जिसमें केशव भगवान की पूजा करती थी, सोने चांदी की मूर्ति होती थी। औरंगजेब का शासन आया, वो हिंदू धर्म को नहीं मानता था। वो औरंगजेब जो अपने फादर को जेल में रखता था, शाहजहां को जेल अंदर दे दिया। ये किचन है, माथपुर का खाना किचन बनता था। अच्छा अच्छा, चलो इधर मेरी भी कुकिंग क्लास चलेगी। चल लो, तुम जोधा भाई हो। नौकरों के लिए अंदर आपको नौकरानी भी दिखाई देगी। ये सिर्फ जेंट्स के क्वार्टर मैडम,
सर्वेंट क्वार्टर्स टाइप्स ओके अच्छा इसीलिए ये ठंडक रहता है खोखले की वजह से चूना बता दे बेलगिरी का मखानी उसमें डला हुआ ओ पहले सीमेंट भी होता था ना हाँ चाक का पिसा हुआ चूना रखा जाता है तो फिर तो ये पूरे फोर्ट में सीमेंट ही नहीं होता दीवार हो आप सुनो दीवार में गोल्ड का होता था अच्छा जब अंग्रेज शासन था सारे गोल्ड को उतार दिया और ये पीतल कहता है गवर्नमेंट ऑफ पीतल है इस महलों का जो नक्शा बनाने वाला था मोहम्मद काशिफ खान ईरान के निवासी इंजीनियर शाहजहां ने लड़कियों की शादी नहीं की थी वो ताजमहल भैया जमुना नदी ये वाली जो खाई जगह मैंने टाइगर पानी वाले में क्रोकोडाइल ये बनाता और खोज के चाकर अपनी सेफ्टी के लिए क्रोकोडाइल और क्या रहते थे टाइगर्स और मित्रों हाँ जिससे वहाँ से मतलब कोई अंदर आने ना पाए अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर है खास महल खास महल शाहजहां मुमताज का है शाहजहां मुमताज का ही सब है आप ताजमहल का ताजमहल उन्हीं का रहने का महल देखो ये बारह ग्यारह ये बारह ग्यारह आपको ताजमहल के दिन मिलेगा सर हाँ ये पूरा गोल्ड का होगा था अच्छा सोने का गोल्ड और बड़े बड़े खानों का डाम है जो हीरे मोती जलते थे वो शाम में उधर पूछे देखे ऊपर वो देखो तो बड़े किसी टाइम में दो दूर आ सकते ना किसी महलों में पहले लाइट होगी ना तो हाथ के पंखे होते जा सकते और यहाँ की मिट्टी मंगुर पैदा नहीं होता था कश्मीर से मिट्टी आई थी ब्लैक वाली सो ब्लैक मिट्टी मंगुर पैदा होता था सो शाहजहां बादशाह ना वो अंगूर दिन का जो पीने वाला होता ना अंगूरी बाग और चादर में देख रहे आपने होते थे सर्वेंट क्वार्टर्स उनकी नौकरानियों को रहने के लिए और ये रोज वाटर के फुहारे चलते थे शाहजहां की महल की शोभा होता गुलाब वाटर सो शाहजहां बादशाह की अच्छा अच्छा एकदम सेम तो है उसके जैसे ही है लड़ाई झगड़ा तो वैसे सेम बना है इसलिए दो महल दे दी यार मेरे पापा भी करेंगे क्या चलो क्या कितने हाँ मुमताज महल के ना 14 थे तुम लोग तो सिर्फ दो ही हो तो दो के लिए तो बना दो कुछ बोलते जैस्मिन टावर अच्छा इसी महल में शाहजहां बादशाह को जो बंदी बना था ना औरंगजेब ने 8 साल के लिए नजर बंद अपने फादर को अच्छा ओके ये वाला शाहजहां का जेल इसी में औरंगजेब ने 3 भाइयों को मारा था धारा सूजा और मुराद को अपने फादर को बंदी करता राजगद्दी का अच्छा जब शाहजहां 8 साल जेल में थे शाम के की आपको ताजमहल वो देखो अच्छा यहाँ से दिख रहा है क्या हाँ वो दिख रहा है नहीं बताइए वो देख ऐसे बैठ के साथ ताजमहल देखते अपनी मुमताज के आगे और जब उनकी आंखों में सीखो ना किसी को बंद रहता है मैं ये घर खुला होगा कहाँ जा रहे हैं ऊपर ये ताजमहल है फतेह सीरी यानी अंडरग्राउंड स्लम अच्छा ये शाम देख रहे हैं आप ये वाला होता था शीश महल अच्छा जो मुमताज का नानी का बात है इसको गवर्नमेंट ने बंद रखा है ये मैं शीशे यानी ये पब्लिक शीशों को तोड़ देती हूँ इसीलिए बंद रखा है गवर्नमेंट ने शीश महल को बंद करके रखा हुआ जबकि बहुत ही सुंदर होगा अंदर शीश महल मगर यार मस्जिद तो बना ही नहीं इसको ये लॉक है इसका नाम है मीना मस्जिद मीना मस्जिद जब औरंगजेब को अपने फादर शाहजहां को जो 8 साल बंदी में रखा ना तो 5 चलो 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 आ रहे हैं बिल्डिंग देख रहे आप लोग तो दिस नेम दीवाने खास तो दीवाने खास तो पार्लियामेंट प्राइवेट मीटिंग और राज्यसभा
सब यही होती थी। तो सर्दी बरसात के मौसम अंदर पार्लियामेंट और गर्मी का मौसम तो बाहर बाहर आ जाते थे। ब्लैक वाले पे किंग, व्हाइट वाले का मिनिस्टर और बीच में वीआईपी। अच्छा, चेक करते सोना जो सुनारों के पास होता है ये वाला पत्र होता है। अच्छा अच्छा, ये भी गोल चेक करने। हाँ, तो ये भी सिंगल वन पीस मोजाउन को जोड़ भी नहीं। हाँ। जब अंग्रेज शासन था बम के गोले चलाए थे, गोला ही पत्थर पला का आगे से पत्थर क्रक हुआ, वो चल करके बम देखो वो लगा दीवार में। अच्छा, यहाँ बम लगा था वो शाम में। अच्छा, वो बम लगा हुआ है, ये बम का निशान है, क्रक हो रहा था, अंग्रेजों ने बम फोड़ा था इस पे। ये क्रैक हो गया, वन पीस है वैसे ये पत्थर। तंबू लगा करके यहाँ गर्मी में बाहर मीटिंग वगैरह होती थी। ये मशालों के लिए नहीं, पूरे जितने बने हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड फाइल बुक में ये अंडरग्राउंड देख रहे आपको इनके टक्साल जो सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। अच्छा, ये रिजर्व बैंक बादशाह का फैसला होता है। ऊपर अकबर, नीचे बीरबल और शामी रानिया पर्दे के साथ तो बादशाह के न्यास करने के लिए बादशाह लोग गलती न्याय कर रहे थे, सही न्याय कर रहे हैं। देखिए 64 पिलर और 64 मिनिस्टर्स। 64 पिलर और क्या? 64 मिनिस्टर्स। मिनिस्टर, ओके। सामने हर पिलर पे एक मिनिस्टर। एक मिनिस्टर। ये लाल पत्र रूम देख रहे हैं मैडम, इधर है उनका बॉडीगार्ड। अच्छा। चलते बाल लग तो सेना एकदम तैनात होती थी। ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आप लोग, आर्मी मिलिट्री फॉर रहता बन जाता आर्मी। अच्छा, तो वाट वाला देख रहे गुम्बद वाला, ये वाली मोती मस्जिद। इस मस्जिद को बनाता साया ने अपनी पब्लिक के लिए नमाज पढ़ने के लिए, वो में काम करना बंद रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सामने दीवार पत्थर था, इसका नाम था जॉर्ज रसन कॉल्विन, जो लड़ाई थी 1857। सुनो सुनो, वो लड़ाई थी 1857 को यहाँ पर मारा गया था वो अंग्रेज लोग अपराधी निशाने के लिए। अच्छा, ये अंग्रेज की कवर है। अच्छा, हम लोग घूम लिए, अच्छा हुआ गाइड कर लिए थे, बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। तो अब हम लोग बाहर निकल रहे, व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो व्यू दिखा रहा है आज का, और आज का मौसम बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात भाई। हम लोग वैसे जहाँ जहाँ जाते हैं मौसम हमारा साथ ही देता है। ये देखिए, ये गेट है, एग्जिट गेट। बाय।